सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अनंत चतुर्दशी शुभ मुहूर्त 8 सितंबर 2022 की रात्रि 9:02 से चतुर्दशी आरंभ होगी, जो कि 9 सितंबर 2022 की शाम 6:07 पर समाप्त होगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी अनंत चतुर्दशी 9 सितंबर 2022 शुक्रवार को ही रहेगी। अतएव सभी भक्तजनों, माताओं बहनों जो कि अनंत चतुर्दशी व्रत रखते हैं, उनको 9 सितंबर 2022 शुक्रवार व्रत रखकर पूजा करना है व कथा सुनना है। पूजा का शुभ मुहूर्त 9 सितंबर 2022 शुक्रवार सुबह 6 से 10:30 तक चर लाभ अमृत का चौघड़िया व दोपहर 12 से 1:30 शुभ का चौघड़िया तथा शाम 4:30 से 6:00 तक चर का चौघड़िया पूजन करने व कथा सुनने हेतु अत्यंत शुभ रहेगा। इसमें पूजन सामग्री इस प्रकार रहेगी: कदली खम्ब, आम पल्लव, पंचपत्व, कलश, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, तंदुल, कुमकुम, गुलाल, मंगलिक, गुड़, धूप, पुष्पादि, तुलसीदल, श्रीफल, तांबुल, नानाफल अर्थात मौसम के फल, माला, पंचामृत, नैवेद्यार्थ, प्रसाद पदार्थ, गोधन चूर्ण, गुणा, रंगीन आटा, दीपक, भगवान की मूर्ति, लौंग, इलायची, दूर्वा, कपूर, केसर, मंडप, उपयोगी साहित्य, द्रव्य दक्षिणा। इसमें पूजन की विधि इस प्रकार रहेगी: विधि, व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होवें तथा फिर विद्वान आचार्य को बुलाकर भगवान का एकाग्रचित से पूजन करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर भगवान को नैवेद्य अर्पित करें तथा समस्त पूजन की सामग्रियों से यथाविधि पूजन करें। बाद में भगवान को प्रसाद बंधु बांधो तथा कथा श्रवण करने वालों को दें, फिर प्रसाद पावें। व्रत के दिन जागरण करना अनिवार्य है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत कथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, वंश, धन धान्य, संतान, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है। अंत में सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, नेमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राज सूर्य यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेकों प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सब श्रदेश शोभा यमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देख वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिरा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी के दुर्योधन से मधुर वचन कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप को चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। उसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन घूमते लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा कर उनके पास वन में पहुँचे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण
को देख उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ, इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बताइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकें और किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण होने से सब पाप नाश हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, आपके कहे हुए ये अनंत कौन हैं? क्या शेषनाग हैं, क्या तक्षक सर्प हैं, अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्यादि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल विपुल, रात दिन, पक्ष मास, ऋतु वर्ष युग, यह सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी पर भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। आदि मध्य अंत कृष्ण विष्णु हरि शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि को जो नाश करने वाले विश्व रूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत जिसमें चतुर्दश इंद्र हैं, अष्टावसु, बारह सूर्य, एकादश रुद्र और नारद, सात ऋषि तथा समुद्र, विध्यांचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं दंशो, दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भुवा इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे विद्वर, अब आप अनंत व्रत का महात्म और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ, पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्युलोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वरिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से अनंत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशील शीला नाम वाली कन्या पिता के घर बड़े होने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या जिसका नाम करकणा था विधिपूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव करकणा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर और खंबा पर तथा दहली पर चित्रकला के में तोरण आदि में चतुर हुई। नीले, पीले, सफ़ेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सतिये, शंख, कमल बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और इस प्रकार वह कौभर्या अवस्था वाली शील पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों ने युवावस्था चिन्ह से युक्त शीला को देख सुमंत ने चिंता की कि यह कन्या मैं किसको दूं, और इस विचार में दुखी हुआ। उसी समय मैं वेद जानने वाले, मैं श्रेष्ठ और स्त्री इच्छा करने वाले कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्या ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वर्णन करना चाहता हूँ। तुम सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि से कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, ग्रह मसूत्र की कही
हुई विधि से विवाह किया। उस समय मांगलिक शब्द किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान किया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन तथा बंदीजनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह संपन्न होने पर अपनी पत्नी ककर्षा से कहा। सुमंत बोले, हे प्रिये, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित होगा। ऐसे वचन सुनकर ककर्षा ने क्रुद्ध हो अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख दिए। सुमंत से बोली कि घर में धनादि कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुन वह महादुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी शीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख उसने उसके किनारे रथ खड़ा कर दिया। नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उतर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से शीला ने पूछा, हे भार्याओं, कृपा कर मुझसे कहो कि यह आप किसका व्रत कर रही हो और इस व्रत का क्या नाम है। शीलवती सुशीला के ऐसे वचना सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। और स्त्रियों से पूछा, इस व्रत का क्या विधान है और इसमें क्या दान होगा तथा किस देवता की पूजा होती है। उसके यह वचन सुन सब स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनवावे, जिससे मैं आधा भाग ब्राह्मण को दे और आधा आप भोजन करें। कृपणता को त्याग कर शक्ति नासुर ब्राह्मण को दक्षिणा दे। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करें। कुशा का शेष नाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर उस शेष का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावें और वेदी पर चंदन पुष्प धूप दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य अनेकों प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेष के आगे कुमकुम से रंगे उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते समय यह मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें, ऐसा कि श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुन अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ जो भोजन दिया गया था आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष अपने आप दोनों भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर घर गई। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गौ धन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी और माणिक के स्वर्ण मोतियों के हीरों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्रादि से युक्त हो सावित्री के समान पतिव्रता हो पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा हुआ देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे को तूने
मुझे वश में करने को बांधा है। सत्य कहे किसके अर्थ यह डोरा तूने धारण किया है। शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान्य आदि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद से अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला, यह अनंत कौन है। उस मुड़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। हाय हाय करती दौड़ती हुई शिला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गौ चुरा ले गए। आग से उसका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आया उसी प्रकार से गया। अपने स्वजनों से कलह तथा बंधुओं से नित प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर की दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी नहीं था। शरीर से अत्यंत दुखी होकर बोला, हे शिले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है। मेरा सब धन नष्ट हो गया, कोई मुझसे बात नहीं करता और देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शिले, मुझसे क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है। पति के ऐसे वचन सुन शिला बोली, हे स्वामी, आपने अनंत के डोर का आक्षेप किया, उसी के पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुनकर वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प ले वन में जा वायु भक्षण करके तप का विचार करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन जिसकी प्रसन्नता से द्रव्यादि पदार्थ मिलते हैं और उसके आक्षेप में नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे। धनादि पदार्थ होने के सुख तथा दुख में से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहाँ उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए। यह देख कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है। हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौंडिन्य ऋषि का महा दुखी होकर आगे को चले गए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि के वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गौ को देखकर उसने गाय से पूछा, हे धेनु, तूने अनंत को देखा हो तो बता। यह सुन गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को कहीं नहीं जानती हूँ। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गौस्वामी, तूने अनंत को देखा है। बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करणियों को देखा जिनके कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही हैं और कमल कुमुदिनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही है तथा भ्रमर हंस चकवा तथा सारस बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। उस कौंडिन्य ने पुष्करणियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है। यह सुन पुष्करणियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चल, उसने गधा और हाथी को देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा है। उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने से वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा छोड़कर विट्ठल हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता
हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली ही थी, तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण किए अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों युक्त उस ऋषि को अपने पुरी को दिखाया। वहां एक दिव्य सिंहासन पर बैठ और शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए है। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाला है, उन विश्वरूप को कौंडिन्य ऋषि को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरें। हे जगदीश, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य है, तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भर होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। महादुखी होकर तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ। अनंत ने दयावश कृपा पूर्वक अपना दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बतलाएं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या ना देवें। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा और चतुर्दशी व्रत भक्ति पूर्वक अनंत व्रत कर। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे तथा और सुखों का उपभोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निःसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। शीलाकृत व्रत की श्रेष्ठ कथा पढ़ने वाला और शीला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को पावेगा। हे कौंडिन्य, तू जिस मार्ग से यहाँ आया है, उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिन्य बोला, हे स्वामिन, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा, वह आपसे पूछता हूँ, कृपा कर आप उत्तर दीजिए। जो आम वृक्ष, गौ, बैल, कमल आदि से शोभन यमन, पुष्करणी, गधा और हस्ती, हे देव, वह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृतांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिन्य जी, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है और जो विद्यार्थियों को विद्यादान ना देने के कारण वृक्ष हुआ। वह गौ पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया है, और वह बैल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुष्करणी हुए। वे पूर्ण जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भागिनी थी, जो धर्म करती थी वह परस्पर करती थी, और उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथि और दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था, याचकों को भिक्षा भी नहीं दी। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्र होता है। वह गधा क्रोध है, वह हस्ती मद है, और वृक्ष ब्राह्मण है।
मैं अनंत हूँ और यह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिन्य स्वप्न समान देखकर अपने घर आए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने चतुर्दशी वर्ष अनंत व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत को स्मरण कर अनंतपुर को गया। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी यह कथा सुनो और चतुर्दश वर्ष अनंत व्रत करो। जैसे कौंडिन्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे तू भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। आख्यान सहित व्रत करने से ही वर्ष में मनोरथ फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, ये व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुरु कुलोद्भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुखपूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव चतुर्दश ग्रंथि वाला डोरा बनते हैं। इति श्री अनंत चतुर्दश व्रत कथा संपन्न। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।